जय श्री कृष्णा। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य उनके पूजन हेतु काफी जतन करता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा उपासना करता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव की उपासना के लिए कौन से ऐसे पत्र हैं, कौन से ऐसे पुष्प हैं जो विहित हैं, अर्थात जिनको चढ़ाया जा सकता है, और कौन से ऐसे पत्र हैं और पुष्प हैं जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जा सकते, अर्थात जो निषिद्ध हैं। यूं तो भगवान शंकर पर पुष्प चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के आधार पर हम अगर जानने की कोशिश करें तो वीर मित्रोदय में कहा गया है कि तपःशील गुणों पेतई विप्रे वेदस्य पारगई दत्वाश्वर्णश शतम तत्फलम कुसुमस्य च। इसका मतलब है कि तपःशील सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जो 100 सुवर्ण की बात कही गई है वह एक प्रकार की मात्रा है जिसको 16 मासा या एक कर्ष भी कहते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पत्र पुष्प शिव के लिए विहित हैं और कौन कौन से निषिद्ध हैं। तो नारद संहिता में कहा गया है कि विष्णुर्यानि चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिका केतकी पुष्पमेकं तु विना तान्यखिलान्यपि सस्तान्येव सुरश्रेष्ठ शंकराराधनाय हि। अर्थात पहली बात यह कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित हैं वह सब भगवान शंकर को भी चढ़ाए जाते हैं, केवल केतकी और केवड़े का निषेध है। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बताया है, जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आंख के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है, 1000 आंख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल है, 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व के पत्र से फल प्राप्त हो जाता है, और 1000 बिल्व पत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल होता है। गुमा फूल को द्रोण पुष्प भी कहा जाता है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ों जिसे अपामार्ग भी कहते हैं उससे बढ़कर एक कुश का फूल होता है, 1000 कुश के फूलों से बढ़कर एक शमी का पत्ता होता है, 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नीलकमल है, 1000 नीलकमलों से बढ़कर एक धतूरा होता है, और 1000 धतूरों से बढ़कर एक शमी का फूल होता है। सभी पुष्पों में बतलाया गया है कि सर्वासाम पुष्प जाति नाम परवरम नीलमुत्पलम, अर्थात कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नीलकमल होता है। वीर मित्रोदय में यह भी कहा गया है कि करवीर समा गेया जाति बकुल पाटला श्वेत मंदार कुसुमम सित पद्मम च तत्समम शमी पुष्पम वृत्याश्च कुसुमम तुल्यमुच्यते नागचंपक पुन्नागौ धतूरक समोस्मृतौ। अर्थात भगवान व्यास ने कनेर की कोटी में चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकड़ैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटी में नागचंपा और पुन्नाग को माना है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम शिवम स्पष्ट वेदमुच्यते बक पुष्पेग्नि चैकेन शैव मर्चन मुत्तमम। अर्थात शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसिरी अर्थात बक बकुल के फूल को ही अधिक महत्व दिया है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शंकर को चढ़ाने योग्य और भी फूल गिनाए हैं, जैसे करवीर है जिसे कनेर का फूल भी कहते हैं, मौलसिरी है, धतूरा है, पाढ़र, पाढ़र को कहीं पे लोग गुलाब भी कहते हैं, बड़ी कटेरी है, कुरैया, कास, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिचिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेशर, किंकिरात, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर,
नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने भी सुगंधित पुष्प हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शंकर को कौन से पत्र और पुष्प निषिद्ध हैं। वीर मित्रोदय में कहा गया है कि कदम्बम फल्गु पुष्पम च केतकम च शिरीषकम तिंतिणी बकुलम कोष्ठम कपित्थम गृंजनम तथा विभीतकम च कार्पासम श्रीपर्णी पत्रकंटकम शालमली दाढ़ी मीरवर्ज्यम धातकी शंकरार्चने केतकी चाति मुक्तम च कुंदो यूथी मदंतिका शिरीष सर्ज बंदूक कुसुमानी विवर्जयेत। अर्थात कदम्ब सारहीन फूल या कठूमर, केवड़ा, श्रीष, तिंतिणी, बकुल जिसे बॉल सिरी भी कहते हैं, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतु में खेलने वाला कंद विशेष, कुंद, जूही, मदंती, श्रीष सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। वीर मित्रोदय में इसका संकलन किया गया है। मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान शंकर को किस प्रकार के पत्र और पुष्प चढ़ाने चाहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु को पूजन में किस प्रकार के पत्र और पुष्प चढ़ाने चाहिए और किस प्रकार के पत्र और पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।